हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर बेस्ड ही कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक वही है, व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ ब्लॉक्स इज इन सेम डायरेक्शन। तो इस लेक्चर का फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्केयर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया, 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.3 गिवन है। दोनों ही ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए, 1 kg ब्लॉक पे 4 N और 3 kg ब्लॉक पे 6 N। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.2 × 40 मतलब 8 N। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 1 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.3 × 10 मतलब 3 N। अब देखो 6 + 3 9 N तो 8 N से ज्यादा ही है, तो यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, ठीक है। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं लेट दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। नीचे स्लिपिंग मान के चल रहा हूँ, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग मान के नहीं चल रहा, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूँ, और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड में काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूँ 8 N। तो 1 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 1 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो देखो क्योंकि मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट माना है विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, नीचे स्लिपिंग माननी है, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं माननी, तो एक ये कंप्लीट सिस्टम बन गया जिसमें ये दोनों ब्लॉक शामिल है। कितने केजी का कंप्लीट सिस्टम बन गया ये, 1 + 3 = 4 kg का। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इस कंप्लीट सिस्टम पे, नेट फोर्स जो कि कितना हुआ 4 + 6 = 10, 10 - 8 = 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 + 1 = 4 kg, तो ये आ गया 1/2 या 0.5 m/s². अब ये कॉमन एक्सेलरेशन तो 1 kg ब्लॉक का भी है, तो अब केवल 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो दिस एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 4 - f डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg ब्लॉक। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करके क्या आ जाएगा, 1 = 8 - 2f या 2f = 7, f की वैल्यू आ गई 3.5 N। अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में आई, और 1 kg ब्लॉक के स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज 0 से 3 N तक है, ये तो 3 N से ज्यादा आई, तो इसका मतलब है बिटवीन ब्लॉक से स्लिपिंग पक्का होगी। दिस फ्रिक्शन 3.5 N इज नॉट इन स्टैटिक रेंज, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग पक्का होगी। तो अब ये फाइनल कंक्लूजन यहां पे है, ऊपर 1 kg ब्लॉक, नीचे 3 kg का ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 4 N, 3 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 6 N, ऊपर स्लिपिंग पक्का होगी, तो बाय 3 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 N, तो बदले में 1 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 3 N काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तो 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 6 और 3 कितना होगा 9 तो 8 से ज्यादा है, तो इसका मतलब नीचे भी स्लिपिंग होगी, तो 3 kg ब्लॉक में बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 N।
ऊपर भी स्लिपिंग नीचे भी स्लिपिंग वास्तविकता में। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो आगे की तरफ कितना आया, 4 में से 3 गया, एक एक भाग में एक 1 m/s² और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो आगे की तरफ कितना आया, 6 और 3 9, 9 में से 8 गया, एक एक भाग में 3 m/s² या 0.33 m/s², 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया आगे की तरफ है, और 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 1 m/s². तो ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी। तो इसी कैटेगरी के नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 2 इस लेक्चर का इसी कैटेगरी का, जब दोनों ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो सेम डायरेक्शन में, अगेन एक रफ ग्राउंड गिवन है, ठीक है, और रफ ग्राउंड पे मान लो 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और 2 kg के ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड 0.3 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक ये कितना गिवन है, 0.6। 1 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाइड है, 6 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 4 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक कितनी आती है, 0.3 × 30 मतलब 9 न्यूटन। 1 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 × 10 मतलब 6 न्यूटन। अब देखो 4 + 6 = 10 न्यूटन, 9 न्यूटन से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब 2 kg ब्लॉक पिक्चर में है, ठीक है, एक्सेलरेट कर सकता है, 2 kg ब्लॉक करेगा या नहीं वो थोड़ी देर में पता चलेगा। अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूं लेट ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब मैंने नीचे स्लिपिंग मान ली, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं मानी, ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन मान लिया 9 न्यूटन और बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया, तो 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, तो बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि मैं इन दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मान के चल रहा हूं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, इसीलिए मैं इसको एक सिंगल सिस्टम ले सकता हूं जिस सिस्टम में ये दोनों ब्लॉक शामिल हैं। तो इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 6 + 4 = 10, 10 में से 9 गया 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3, तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/3 m/s². अब क्योंकि 1 kg ब्लॉक भी आगे की तरफ ए कॉमन एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो 1 kg ब्लॉक का भी कॉमन एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इतना ही होना चाहिए 1/3। तो अब 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, दिस कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना, 6 − f डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg ब्लॉक, तो इन दोनों को इक्वेट करके यहां से कितना आ गया, 1 = 18 − 3f, तो यहां से आ गया 3f = 17, तो यहां से आ गया f = 17/3 और ये कितना आएगा, 5.66 न्यूटन। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन से तो कम ही है, 5.66 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1/3 m/s²,
बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, वास्तविकता में 5.66 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ये स्टैटिक रेंज में आ गया ना। तो अब देखो, एक तरह से इसी ही कैटेगरी के कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम बोल सकते हैं इसी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो क्या गिवन है इन न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या गिवन है। मान लो एक रफ वॉल है, खुरदरी दीवार, क्या है ये वॉल, खुरदरी दीवार होती है ना रफ वॉल। इस रफ वॉल के अगेंस्ट 2 kg का ब्लॉक है और यहां पे 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और अब मैंने इस 1 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नली और सप्लाई कर दिया, कितना, 20 न्यूटन। इस 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया अपने हाथों से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ वॉल ये कितना गिवन है, 0.2, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक ये कितना गिवन है, 0। मतलब 1 kg ब्लॉक का ये सरफेस और 2 kg ब्लॉक का ये सरफेस, ये दोनों क्या स्मूथ हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, 2 kg ब्लॉक पे एम जी फोर्स तो जरूर आएगा 20 न्यूटन, और 1 kg ब्लॉक पे एम जी 10 न्यूटन आएगा। ये क्या है, दोनों एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के अंदर तो पेनेट्रेट कर नहीं सकता, तो इसका मतलब ओरिजेंटल डायरेक्शन में 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ओरिजेंटल डायरेक्शन में बस। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक का जो ये सरफेस है ना, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करेगा, दिस 20। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 1 kg ब्लॉक का ये सरफेस बदले में 2 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये 2 kg ब्लॉक भी इस दीवार के अंदर पेनेट्रेट नहीं हो सकता, तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये जो वॉल है ना दीवार, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी इस 2 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन ही। तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 2 kg ब्लॉक देखो कितनी आई, 0.2 × 20, मतलब कितनी आई, 4 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 1 kg ब्लॉक ये तो 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों सरफेस स्मूथ हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, स्मूथ है सरफेस दोनों, 2 kg ब्लॉक का ये सरफेस और 1 kg ब्लॉक का ये सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है, दोनों स्मूथ है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आएगा 10 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक तो नीचे की तरफ एक्सलरेट होगा वास्तविकता में बिल्कुल, कितने एक्सलरेशन से, नेट फोर्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास 1, 10 m/s² से, क्योंकि यहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता ना। तो बिटवीन ब्लॉक से क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे, 2 kg ब्लॉक के लिए ये 20 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अब ये देखो, ये ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन क्या 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो 2 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट जरूर करेगा, तो बाय रफ वॉल 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा, नीचे की तरफ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक, नीचे की तरफ नेट फोर्स 2 kg ब्लॉक पे देखो कितना, 20 − 4 = 16 न्यूटन, 16/2 = 8 m/s² से 2 kg ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। देख सकते हो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं आया, तो इसका मतलब
बिटवीन ब्लॉक्स जीरो न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, जीरो न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्लिपिंग होगी और यहां पे भी स्लिपिंग होगी, बिटवीन दीवार एंड दो केजी ब्लॉक भी स्लिपिंग होगी क्योंकि दो केजी ब्लॉक नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा तो यहां पे स्लिपिंग हो रही है ऑब्वियसली, और बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग हो रही है क्योंकि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर थोड़ी ना है, तो बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी और यहां पे भी स्लिपिंग होगी, यहां पे 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहां पे बाय रफ वॉल 2 केजी ब्लॉक पे 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो देखो 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है क्योंकि 10 8 से ज्यादा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया कि जब तक ये 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक की सरफेस पे रहेगा तब तक 1 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा है, 2 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 1 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ ज्यादा चलेगा, 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ कम चलेगा। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक के जो लोअर कॉर्नर है इस पे पहुंच जाएगा, तब तक की बात है 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। यहां पे भी स्लिपिंग हो रही है और यहां पे भी, दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहां पे बाय रफ वॉल 2 केजी ब्लॉक के पे ऊपर की तरफ 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन है और बिटवीन ब्लॉक से हम ऐसा बोल सकते हैं कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है क्योंकि ये तो स्मूथ है ना, और बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग हो भी रही है तो ये भी बोल सकते हैं 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक्स। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और मान लो ये एक रफ वॉल है, इस रफ वॉल के अगेंस्ट 5 केजी का ब्लॉक है यहां पे, और 5 केजी ब्लॉक के अगेंस्ट कितने केजी का ब्लॉक गिवन है, 2 केजी का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस रफ वॉल एंड 5 केजी ब्लॉक 0.3 गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 5 केजी ब्लॉक ये 0.2 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 2 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया अपने हाथों से, कितना 40 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो mg फोर्स लगा दो 50 न्यूटन और 2 केजी ब्लॉक पे 20 न्यूटन mg, सही है। अब देखो 2 केजी ब्लॉक इस 5 केजी ब्लॉक के अंदर थोड़ी ना घुस सकता है, तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में 2 केजी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 5 केजी ब्लॉक की ये सरफेस 2 केजी ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, इतना ही 40 न्यूटन। तो बदले में 2 केजी ब्लॉक का ये सरफेस 5 केजी ब्लॉक पे 40 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करेगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो 5 केजी ब्लॉक भी इस दीवार के अंदर नहीं घुस सकता, तो ये दीवार भी 5 केजी ब्लॉक पे कुछ 40 न्यूटन ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 केजी ब्लॉक कितनी आती है, 0.3 इंटू में 40 मतलब कितनी, 12 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 40 मतलब 8 न्यूटन, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 केजी ब्लॉक 12 न्यूटन है, और ये 50 और प्लस 8 58 न्यूटन 12 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब 5 केजी ब्लॉक पिक्चर में जरूर है, यहां पे 5 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, करेगा या नहीं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं ये दोनों ब्लॉक से टूगेदर नीचे की तरफ एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए,
बिटवीन ब्लॉक्स स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, और यहां पे बाय रफ वॉल 5 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ है 12 N काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऐसा मान के चल रहा हूं। और बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इकट्ठे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 5 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। तो 5 kg ब्लॉक पे 2 kg ब्लॉक के द्वारा नीचे की तरफ इतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मैं ऐसा मान के चला हूं यहां पे स्लिपिंग होगी, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये सिस्टम बन गया 5 + 2 = 7 kg का, इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इस सिस्टम पे नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आएगा, 50 + 20 = 70, 70 में से 12 गए 58 डिवाइडेड बाय मास 5 + 2 = 7, तो ये कितना आता है 8.28 m/s² और यही 2 kg ब्लॉक का भी कॉमन एक्सेलरेशन है ए 8.28 m/s², तो इसको मैं अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो दिस एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी आना चाहिए, ये 58/7 या 8.28। अब केवल 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो तो दिस एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ नेट फोर्स 20 - f डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो इन दोनों इक्वालिटीज को सोल्व करते हुए, इन दोनों को इक्वेट करके स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आती है 3.42 N। अब देखो क्या ये स्टैटिक रेंज में है, 3.42 N। स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 2 kg ब्लॉक 0 से 8 N तक है, और ये 8 N से कम ही है 3.42 N, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में है। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला, ये जो लेट किया था ना वो बिल्कुल सही निकला। बिटवीन ब्लॉक्स कोई स्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ पे स्लिपिंग होगी बिटवीन वॉल एंड 5 kg ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर इकट्ठे नीचे की तरफ एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 8.28 m/s², दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3.42 N, और बाय दीवार उन 5 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ 12 N काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है, अगेन एक रफ बॉल है, न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ क्या है ये रफ बॉल, खुरदरी दीवार। इस रफ बॉल के अगेंस्ट 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg ब्लॉक के अगेंस्ट एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं देखो 3 kg ब्लॉक और इस रफ बॉल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक 0.2 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक पे अपने हाथों के द्वारा कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया 80 N, ठीक है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो ये 2 kg ब्लॉक है, 3 kg ब्लॉक के अंदर तो घुस नहीं सकता, तो 3 kg ब्लॉक का ये सरफेस है ना, 2 kg ब्लॉक पे कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा 80 N, तो बदले में ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इतना ही 80 N ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखो 3 kg ब्लॉक भी इस खुरदरी दीवार के अंदर नहीं घुस सकता, तो ओरिजेंटल डायरेक्शन में 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो बाय रफ बॉल नॉर्मल रिएक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे 80 N ही, और 3 kg ब्लॉक पे mg तो आएगा ही 30 N, और 2 kg ब्लॉक पे mg कितना आएगा 20 N। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 kg ब्लॉक, कितनी आएगी 0.6 × 80,
मतलब 48 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक 0.2 इंटू में 80 मतलब 16 न्यूटन। अब देखो 30 प्लस 16 46 न्यूटन, 48 न्यूटन से तो कम ही है, 30 प्लस 16 46 न्यूटन तो 48 न्यूटन से कम ही है, तो 3 केजी ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, यहां पे 3 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 3 केजी ब्लॉक पिक्चर में नहीं है, इस न्यूमेरिकल में 3 केजी ब्लॉक पक्का वास्तविकता में रेस्ट पे रहेगा, मतलब बिटवीन रफ वॉल एंड 3 केजी ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो 3 केजी ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे हो गया, अब बात किसकी बच गई 2 केजी ब्लॉक की, ये तो पक्का रेस्ट पे रहेगा क्योंकि ये तो पिक्चर में है ही नहीं। पिक्चर में क्यों नहीं है, 30 प्लस 16 46 न्यूटन, 48 न्यूटन से तो कम ही है, तो ये तो पिक्चर में है ही नहीं, 3 केजी ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा। अब बात बची 2 केजी ब्लॉक की, 2 केजी ब्लॉक के लिए ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, और ये 20 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही है, तो 2 केजी ब्लॉक पे बाय 3 केजी ब्लॉक ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 16 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब 2 केजी ब्लॉक पक्का नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 20 माइनस 16 4 भाग में 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बाय 3 केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 16 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आया है, तो 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ 3 केजी ब्लॉक पे 16 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। और 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, तो 3 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, तो ये 30 और ये 16 46, तो इसका मतलब बाय दीवार इस 3 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 46 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो यहां पे स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा लेकिन बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी, बिटवीन ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, बाय रफ वॉल 3 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 46 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा।